स्थान दिया गया है। रायसेन जिले की मंडीदीप, सतना की मैयर और अशोकनगर की ईसागढ़ नगर पालिका परिषद में हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 15 जुलाई को तीनों ही निकायों के लिए मतदान हुआ था। तो सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। मंडीदीप नगर पालिका के 26 वार्ड के पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए 67.43% मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं नगर पालिका मैयर के 24 वार्ड के पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए 40,612 मतदाताओं में से 75.37% मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं ईसागढ़ नगर परिषद के 15 वार्डों के पार्षद और अध्यक्ष के लिए 8,134 मतदाताओं में से 88.31% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। कुछ ही देर में तय होगा कि इन चुनावों में किसे जीत मिलती है, लेकिन मंडीदीप और मैयर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला। मंडीदीप की बात करें तो बीजेपी की ओर से राजेंद्र अग्रवाल प्रत्याशी हैं। उन्हें पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा का समर्थक माना जाता है। और उधर कांग्रेस प्रत्याशी बद्री सिंह चौहान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के करीबी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व नपा अध्यक्ष विपिन भार्गव ने चुनाव टक्कर को त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं मैयर में बीजेपी के धीरज पांडे मैदान में हैं, लेकिन बसपा की मौजूदगी से कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश भई तुलनात्मक रूप से वजनदार हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से नतीजा कुछ भी हो सकता है। वहीं ईसागढ़ नगर परिषद के चुनाव में मतदान के बाद दोनों दल अपनी अपनी जीत के कयास लगा रहे हैं। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस पिछली दो बार से परिषद पर काबिज है, इसलिए उसके पास हैट्रिक बनाने का मौका है। तो बीजेपी कांग्रेस के इस सपने को तोड़ना चाहती है। बीजेपी ने हरिवल्लभ अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र द्विवेदी मैदान में हैं।